महाराष्ट्र में बीजेपी ने गजब कर दिया, 132 सीट जीत कर इतिहास रच दिया। इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय सरकार की लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्कीम ने महिला मतदाताओं को महायुति के पाले में लाने का काम किया और नतीजा रहा एमवीए की क्लीन स्वीप। सूत्रों से खबर है कि पार्टी इस रणनीति पर दिल्ली में भी विचार कर रही है। बीजेपी का मानना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की सफलता दिल्ली में भी दोहराई जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, अब उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने राजधानी के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, वहीं सीधे नगद ट्रांसफर के फॉर्मूले पर आधारित महाराष्ट्र की लाडली बहन स्कीम जैसी योजना दिल्ली में भी लाई जा सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी घोषणा पत्र में महिला आधारित कई वेलफेयर स्कीम शामिल कर सकती है। इसमें बीजेपी के लिए एक विशेष नगद ट्रांसफर योजना तैयार की जा रही है। महिलाओं के लिए बीजेपी की योजना प्रारंभिक चरण में है। पार्टी महिला केंद्रित कार्यक्रमों को अपने चुनावी वादे के रूप में पेश कर सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये दाव पहले ही चल चुकी है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का 2024-25 के बजट में प्रस्ताव रखा है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र की वो महिलाएं जो किसी तरह का लाभ नहीं लेती और ना ही टैक्स जमा करती हैं, उन्हें हर माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। आपके सूत्र बताते हैं कि इस योजना को जोर शोर से लागू करवाने की कोशिश आप पार्टी करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस रकम को दोगुना कर सकती है या फिर स्कीम के दायरे को बढ़ाकर कामकाजी महिलाओं को भी इसमें शामिल कर सकती है। दरअसल दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 70 लाख से ज्यादा वोटर महिलाएं हैं, जिन्हें बीजेपी फ्री की रेवड़ियां दिखाकर अपने पाले में करने के चक्कर में है।